हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास रहने वाली है। क्लास में क्योंकि इसको कह रहा हूँ, हालांकि क्लास नहीं है, लेकिन जो है आपके एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ रहा है, तो ऐसे में हर स्टूडेंट को क्या चाहिए, हर स्टूडेंट को लग रहा है कि मॉक टेस्ट किया जाए और मॉक टेस्ट के माध्यम से जो है प्रिपरेशन की जाए। क्योंकि लास्ट के टाइम अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपकी रह जाती है, या फिर एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले आप लगा लेते हो, जो लेक ऑफ रिविजन आपका रहता है, आपको खुद अपनी गलतियाँ पता लगती है कि कहाँ पर जो चीज़ें हम भूल रहे हैं। वो चीज़ें आपको एक्चुअल में पता होती है, उसके बारे में पढ़ लिया होता है, लेकिन जो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, तो ऐसे में मॉक टेस्ट ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट आपको जो कैप्चर करते हैं आपके माइंड को कि हाँ ये चीज़ें आपकी जो यहाँ पर थोड़ा सा वीक पॉइंट आपका रह चुका है। तो अभी जो है आज इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए मैं लेके आया हूँ साइकोलॉजी, देख लीजिए, SST और आपके HPG के। तो साइकोलॉजी का मॉक टेस्ट आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर मेरे पास जो है 2 मॉक टेस्ट अवेलेबल हुए तो दोनों के लिंक आपको मैं दे दूंगा, और SST और GK यहाँ से भी मुझे लगता है कि मेरे पास शायद 2 मॉक टेस्ट है, तो इसके भी आपको 2 मॉक टेस्ट के लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। हाँ, HPGK का मेरे पास 1 ही मॉक टेस्ट है, उसका लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, यानी कि टोटल मेरे पास 5 मॉक टेस्ट है अभी। जो स्पेशली अगर हम बात करें तो टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो और इस चैनल के माध्यम से जुड़े हो, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम इस चैनल पर जो कंटेंट आपको मिलता है वो मिलता है आपके पास टेट CTET के लिए, और इसके अलावा जो है JBT की हम बात करें, चाहे TGT आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल की बात करें, इन सभी के लिए आपके पास काफ़ी वैल्यूएबल रहेगा। और ये मॉक टेस्ट जो है मैंने क्लासेस के लिए बनाए थे, आपकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए गूगल मीट के माध्यम से आप इन टेस्ट को जो है दे सकते हो। देखिए यहाँ देखिए, अगर आप साइकोलॉजी की हम बात करें तो साइकोलॉजी का रेशो आपका रहता है 30 का, चाहे आपके पास TGT आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल जो भी है, चाहे आपके पास GBT है, यहाँ पे 30 के आसपास रेशो आपका देखने को मिलता है। इसके अलावा SST और GK की अगर हम बात करें, अगर तो हम आपकी जो आर्ट्स की बात करेंगे, आर्ट्स की बात करेंगे मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे आर्ट्स वाले स्टूडेंट है, तो यहाँ पे जो है मेन आपका यही टारगेट रहेगा। अगर जो है आप एग्जाम दे रहे हो TGT आर्ट्स का, तो मेन टारगेट आप इसको लेकर चलना SST और GK वाला, क्योंकि जो है 60 क्वेश्चन आपके यहाँ पे SST के और 30 क्वेश्चन आपके GK के, टोटल आपके पास यहाँ पे 90 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इस GK में आपके पास HPGK भी यहीं पर आ जाता है इसी 30 के अंदर। इसके अलावा अगर आप किसी और स्ट्रीम से हो, अगर आप मेडिकल आपके पास है, अगर आपके पास नॉन मेडिकल है, तो उसमें भी आपके पास आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसमें आपके जो 60 मार्क्स का रेशो रहता है, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, उस पर ज़्यादा फोकस आपने करना है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो 90 मार्क्स यहीं पे आपके हो जाते हैं, और कम से कम इसमें आपको स्कोर कितना करना है, तो यहीं से 90 में से आप 60 स्कोर करके चलिए, इतना टारगेट आप लेके चलिए कि 60 आप यहीं स्कोर कर लेंगे। बाकी अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे कम से कम 20 आप कर ही सकते हैं, और बाकी अगर बात की जाए आपके पास आर्ट्स वालों की इंग्लिश में जो है 30 में से 10 तो यहाँ पे सभी कर सकते हैं, तो इस तरह 90 मार्क्स आपके आराम से बन जाएंगे, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान से एग्ज़ाम आपका रहता है। और जितनी मैंने वीडियोस आपकी साइकोलॉजी की प्रोवाइड कराई है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ से बार एग्जाम में आएगा, और इतनी वीडियोस आपकी अवेलेबल है, चाहे 1 लाइनर हो, चाहे आपके पास थ्योरीज की मैंने 1-2 डिटेल में आपके लिए डाल दी थी 2-3 दिन पहले, वो आपने एक बार देख लेना, तो मुझे लगता है कि जो आपके पास डायरेक्ट कम से कम 20 से 25 तक क्वेश्चन आपके आराम से पूछ ले जाएंगे जो मैंने आज तक आपको करवाए हैं, तो जो भी एग्जाम आपका होगा कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 25 तक क्वेश्चन आपके जो आराम से डायरेक्ट आपके देखने को मिलेंगे। अब देखिए, चाहे वो TGT आर्ट्स हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, GBT हो, सभी के लिए मैं कह रहा हूँ कि साइकोलॉजी का जो सिलेबस है वो सभी का सेम है। हालांकि थोड़ा सा GBT वालों के लिए बेसिक आपका पूछा जाता है, थोड़े TGT आर्ट्स वालों के लिए थोड़ा सा टफ यहाँ पे थ्योरी सेक्शन आपका देखने को मिलता है। और बात की जाए मेडिकल नॉन मेडिकल की, मेडिकल नॉन मेडिकल में मैक्सिमम रिपीटेड आपके क्वेश्चन रहते हैं, जो कि आपके पास साइकोलॉजी के सेक्शन में वो 1 लाइनर में आपके कवर हो जाएंगे मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए। और अगर बात की जाए थ्योरीज देखनी आपकी TGT आर्ट्स वालों को, कंप्लीट इसको देखनी पड़ेगी, तो क्योंकि यहाँ से ज़्यादा आपके देखने को मिल सकता है। तो ये मॉक टेस्ट आपके जो है मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, देखिए इसको पहले ध्यान से देख लीजिए कि कैसे आपकी ये मॉक टेस्ट आपने देना है। अगर आप पहली बार दे रहे हो, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आपने इसको ओपन करना है। उसके बाद जैसे ही आप इसमें आंसर आप फिल करोगे, पहले तो आपको मैंडेटरी है कि सारे आपको फिल करने पड़ेंगे आंसर, उसके बाद जैसे आप सबमिट करोगे उसमें एक ऑप्शन आएगा व्यू स्कोर का, व्यू स्कोर आपने देख लेना है। ऊपर आपको स्कोर वहाँ पर दिख जाएगा कि कौन से आपने सही किए, कौन से आपने गलत किया, उसको नोट डाउन कर लेना है उसके बाद जो गलत आपने किया है। और उसके बाद जो है व्यू स्कोर के बाद नीचे अगर आप उसको स्लाइड करोगे तो उसमें नीचे आपको राइट आंसर और रॉन्ग आंसर आपको साथ साथ दिख जाएंगे, किस आंसर का जो आपने राइट किया है, किसका आपने रॉन्ग किया है। तो बाद में ये मत कहना, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर इस मॉक टेस्ट के आंसर की भी दे दीजिए, ये ऑटोमेटिक जनरेटेड आपका रहेगा, ऑटो चेक आपका ये हो जाएगा, जैसे आप इसमें आंसर दोगे वैसे वैसे ये साथ साथ चेक भी आपका होता रहेगा। सबमिट आपको ये करना पड़ेगा। हाँ, कई बार जो है आप ईमेल आईडी लॉगिन नहीं होती कई बार किसी के फ़ोन में, तो उसके माध्यम से अगर आप जो है देते हो तभी आपका ये सबमिट होगा। ईमेल आईडी के थ्रू अगर आप लॉगिन है किसी फ़ोन के अंदर तभी आपका ये जो है लॉगिन होगा, क्योंकि गूगल फॉर्म आपके इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है। तो कोशिश करें कि जिस फ़ोन में ईमेल आईडी है उसी से आप इस
टेस्ट को ओपन करने की कोशिश करें। SST का भी सेम है, SST का भी आपकी जो है मुझे लगता है कि दो तक जो है मेरे पास है, बाकी एक बार मैं चेक कर लूँगा जितने मेरे पास है उसके सभी के लिंक आपको जो है इसमें दे दूँगा। और एक और विशेष बात, ये जो है लिंक आपके ज़्यादा देर आपके एक्टिवेट नहीं रहेंगे, तो जैसे ही आप वीडियो देखो कोशिश करो 2 से 3 दिन के अंदर जो है इसको आप जो है एक बार दे देना इस टेस्ट को, क्योंकि जो मेरे पास क्लासेज में जो ग्रुप में जो स्टूडेंट है उनके पास तो मैक्सिमम के पास हो गए ये वाले टेस्ट, लेकिन जो है न्यू स्टूडेंट है या फिर कह लीजिए कि जो यूट्यूब के स्टूडेंट है जो आपके जो है कभी मेरे साथ नहीं जुड़ पाए व्हाट्सअप के माध्यम से ग्रुप के माध्यम से, तो उन सभी के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहने वाली है। एक बात, दूसरी बात जो है मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड करी है जिनको जो है नोट जिनके पास है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जिनके पास नहीं है अब कोई मतलब नहीं है नोट्स लेने का, क्योंकि अब आपके पास इतना कम समय है कि अब आप जो है उसको नहीं कर पाओगे कवर। तो जिनके पास है उनके लिए मैं कह रहा हूँ, आपने एक चीज़ याद रखनी, जो मैंने नोट्स दिए हैं सिर्फ वही नोट्स आप अब इस समय प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि अगर TET RTS वालों की बात की जाए तो हार्डली जो है 15 डेज़ के आसपास आपके पास बचे हैं, तो 15 डेज़ में आपके पास इतना ही आपका हो पाएगा मुझे लगता है कि सिर्फ आप नोट्स से एक रिवीजन कर लीजिए और प्रॉपर उसको लर्न कर लीजिए और आपने कुछ नहीं करना। और एक और बात, कोई भी न्यू चीज़ सीखने की कोशिश ना करे, कोई भी न्यू टॉपिक आप ना पढ़े, कोई भी न्यू थ्योरीज आप ना पढ़े, जितना मैंने साइकोलॉजी में कराया बस उतना आप कर लीजिए, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना है। बाकी GK का भी न्यू आपने नहीं पढ़ना, जितने मैंने टॉपिक आपको बताया वही करने हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा करने के चक्कर में होगा क्या कि लास्ट में जो आपके पास क्या होगा कि आपने इतना सारा पढ़ लिया और एग्जाम में वहाँ से वो आने वाला है नहीं, क्योंकि इरिलेवेंट आपका रहेगा। रेलेवेंट जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है सिर्फ उसको जो आधार बनाकर आप पढ़ लीजिए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी अभी भी चल रही है और आने वाले समय में देख लीजिए आपको मोटिवेशन के तौर पे जो है क्या मिलेगा, आपको जो क्वालिफाई का सर्टिफिकेट आपको जो है मिल जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हो सकती है अगर आप इसको सीरियसली लेंगे, और मॉक टेस्ट जो आपके लिए दिए गए हैं उसको एक बार जो टेस्ट आप दे लीजिए, उसके बाद जो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। कोई मॉक टेस्ट अगर आपको लगेगा कि कोई काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, तो उस डिफिकल्ट के लिए अगर आपको लगता है कि उसको एक्सप्लेन भी करना है विद ऑप्शन करना है सॉल्व करवाना है, तो मुझे उस मॉक टेस्ट का नाम बता देना, उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आपका कितना स्कोर रहा, कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा, कितना नहीं हेल्पफुल रहा। अगर किसी मॉक टेस्ट को जो है एक्सप्लेन करना है विद ऑप्शन के साथ उसको सॉल्व करवाना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम से पहले आपको वो मॉक टेस्ट सॉल्व भी करवा दिया जाएगा। तो ये वीडियो आज इतनी ही थी, आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और बाकी जो है काफ़ी बिजी शेड्यूल मेरा आजकल चल रहा है, उसके बीच भी आपके लिए इतना समय मैं निकाल रहा हूँ, तो आई होप आपके लिए कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा। और कोशिश कीजिएगा कि अपने दोस्तों के साथ जो वीडियो को जरूर शेयर करें, ऐसे फ्रेंड्स के साथ आपने वीडियो शेयर करनी है जो कि आपके क्लासमेट है, GVT वाले GVT वालों के साथ, BEd वाले BEd वालों के साथ, पूरे ऑल ओवर HP में, इंडिया में, जहां से भी आप देख रहे हो। अगर आपके लिए वीडियोज़ मेरे लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी जो मिलते हैं क्लासेज में कोशिश करूँगा अगर 1 से 2 लाइव सेशन आपके लिए और ले आऊँ एग्जाम से पहले, और तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे समय लगा तो बिल्कुल आपके लिए लाइव सेशन लेकर आया जाएगा जल्दी। बाकी जो है आप सभी के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे ही आपके एडमिट कार्ड आपके रिलीज होते हैं चाहे किसी भी स्ट्रीम के, तो आपको जो है वीडियो के माध्यम से अपडेट करवा दिया जाएगा। बाकी आप चाहे तो मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।